दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में 30 नवंबर 2022 की रात को एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चल रहा था। दोस्तों, उस प्रोग्राम में चार लड़कियां परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन एक लड़की की खूबसूरती, उसकी मासूमियत और उसकी अदाएं लोगों को अपना दीवाना बना लेती हैं। दोस्तों, वह हर एक गाने पर, वो भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो चाहे हरियाणवी हो चाहे पंजाबी हो, हर गाने पर जोरदार डांस कर रही थी और लोग बस उसी की डिमांड कर रहे थे। दोस्तों, इन चारों लड़कियों में से बस लोग उसी का डांस देखना पसंद कर रहे थे। और जैसे ही स्टेज से वह रश करने के लिए थोड़ी नीचे जाती है, वहाँ भीड़ बौखला जाती है। दोस्तों, नाचते नाचते थक जाती है, बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है, लेकिन देखने वालों का दिल जो था भरता नहीं है। दबंग लोगों के गांव में उसके दुख दर्द से किसी को कोई मतलब नहीं था अपने, तो अपने मजबूरी और लाचारी पर वह रोने लगती है। उसे जबरदस्ती मारपीट का डांस करवाया जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही भाव कर देने वाली कहानी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो में आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस ऑर्केस्ट्रा कंपनी में कुल 8 लोग होते हैं, 4 लड़कियां और 4 जेंट्स होते हैं। हरदोई जिले में 30 नवंबर 2022 की वह रात थी जब उसका प्रोग्राम होता है। दोस्तों, एक लड़की की शादी में उसके प्रोग्राम को करवाया जाता है। 10 बजे रात तक तो सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। उनमें जो 4 लड़कियां थी, इनमें से 3 अपने अपने परफॉर्मेंस कर रही थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन 10 बजे के बाद जैसे एक लड़की स्टेज पर आती है, दोस्तों उसका नाम चांदनी होता है। दोस्तों, चांदनी एक बदला हुआ नाम है। तो दोस्तों, जैसे ही चांदनी स्टेज पर आती है तो जैसे मानो की आग लग जाती है। दोस्तों, वैसे तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन आईमैक्स रोशनी में उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग रहे थे। जानबूझकर स्टेज पर बाद में इसलिए उतारा जाता है कि सारे बराते खा पी कर जब निश्चिंत हो जाए प्रोग्राम देखने के लिए, जब इकट्ठा होंगे तो इसके आते ही लोग नोटों की बारिश करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जब ऑर्केस्ट्रा होता है तो कुछ लोग तो पहले ही अपने स्टेज के आगे कुर्सियाँ लगाकर बैठ जाते हैं और बाकी सैकड़ों की भीड़ होती है वो उसके पीछे रहती है। और कुछ लोग उनमें से पैसे लुटाते हैं। भीड़ में दूर बैठा हुआ एक आदमी 50 का नोट दिखाता है और चांदनी को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। अब दोस्तों, जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है वह चांदनी को पैसे लेने के लिए भेजता है। चांदनी उसके पास जाती है, बड़े प्यार से उसके हाथ से पैसे लेती है और उसको मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है। अब जब उसकी इस अदा पर सारे लोग देखते हैं तो हर किसी की जेब में पैसे होते हैं। अचानक से 10-50 लोगों के और पैसे निकाल लेते हैं। इतने लोग के हाथों में पैसा देखकर ऑर्केस्ट्रा जो मालिक होता है वह खुद पैसे लेने के लिए वहां पर जाता है। लेकिन वह लोग कहते हैं कि जिसको हमने पैसा देना है वही आएगी तो हम उसको पैसा देंगे, हम उसके अलावा किसी को पैसे नहीं देंगे। एक बार फिर से चांदनी को स्टेज से उतरकर उन लोगों के बीच में आना पड़ता है। दोस्तों, सबके पास जाती है, सबसे पैसे ले लेती है, सबको मुस्कुराकर कुछ ना कुछ बोलती है। अब हर कोई कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा था, कोई उसका हाथ पकड़ रहा था, कोई उससे भी ज़्यादा कुछ कर रहा था, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं कहती। वह मुस्कुराकर सबको हंसकर सबसे पैसे ले लेती है और वापस चली आती है। दोस्तों, अब करीब 25-30 गानों पर वह डांस करती है। उसके बाद वह थक जाती है, वो स्टेज के पीछे चली जाती है। उसके जाते ही फिर से लोग उसी की डिमांड करते हैं, फिर से उसे स्टेज पर आना पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी थक चुकी थी। चांदनी कहती है कि मैं ही थोड़ा हूँ, मुस्कान है, सोनिया है, नैना है, ये लोगों को भेज दो। लेकिन मैं जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है वह कहता है तुझे ही बुलाया जा रहा है, तुझे ही लोग पैसे दे रहे हैं। अब दोस्तों, मजबूरी में फिर से उसको स्टेज पर आना पड़ता है। फिर से लोगों के बीच से लोग पैसे दिखाते हैं जाना पड़ता है। अधिकतर लोग नशे किए हुए थे जो उसके साथ कुछ शर्मनाक हरकतें भी करते हैं, लेकिन वह फिर से किसी को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका काम ही लोगों को डांस दिखाना, उनको लोगों का दिल बहलाना और लोगों से पैसे निकलवाना है। लेकिन अब और डांस करने और परफॉर्मेंस करना चांदनी के बस के बाहर हो चुका था और जो 4-3 लड़कियां और थी लोग उनका डांस देखना पसंद नहीं करते। तो तभी उसे चक्कर आ जाता है, वह गिर जाती है, लेकिन किसी तरीके से उठती है और स्टेज के पीछे चली जाती है। वैसे तो इन सब को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन वह दबंग लोगों का गांव था, ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक था वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह बस माइक से यही कहता है कि भाई साहब, शालीनता से आप लोग देखिए तो आपको देखने में मजा आएगा, हमें अपना प्रोग्राम करने में अच्छा लगेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। कोई पैसे लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है, कोई इधर से चढ़ता है, कोई उधर से चढ़ जाता है। दोस्तों, जिनके घर में शादी थी वह भी इस प्रोग्राम से परेशान हो जाते हैं। पैसे लेकिन करें तो क्या करें,
स्टेज से कुछ दूरी पर ही लड़की की शादी हो रही थी। वह अपने कामों में व्यस्त थे। अब दोस्तों चांदनी जो है वह स्टेज के पीछे चली जाती है आराम करने के लिए क्योंकि अब उसका नाचना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन इधर जो भीड़ में कुछ लोग थे दर्शकों, वह कुर्सी तोड़ना शुरू कर देते हैं, हंगामा करने लगते हैं। ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हमने 15 से 20 हज़ार रुपये लुटा दिए हैं, तो क्यों नहीं इस लड़की को बुलवा रहा है, तुझे बुलवाना पड़ेगा। अब दोस्तों वह जाता है चांदनी के पास, उसको ज़बरदस्ती कहता है कि नहीं दोस्तों, वह कहता है कि तुझे जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोस्तों वह अपनी मजबूरी लाचारी पर रोने लगती है, दोस्तों अपने हालातों के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों चांदनी जो है बिजनौर जिले की रहने वाली होती है, उसके परिवार में कुल 6 लोग होते हैं, 4 बहन, 1 छोटा भाई और उसकी माँ रहती है। कोरोना के दौरान उसके पिता की मौत हो जाती है, पहले से ही वह गरीब थे और उनकी मौत के बाद वो लोग दाने दाने का मोहताज हो जाते हैं, घर में बेइंतहा गरीबी आ जाती है। अब दोस्तों चांदनी की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, उसकी 4 बेटियाँ थी, उनकी शादी की उम्र पार हो रही थी। जो बड़ी बेटी उसकी होती है 30 साल के आसपास होती है, जो चांदनी थी उसकी उम्र 20 से 21 साल की थी और उसका छोटा भाई था वह 15-16 साल का था। गाँव में भी मजदूरी आसानी से नहीं मिलती। अब दोस्तों एक दिन उसके गांव में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था और चांदनी देखती है लोग एक ही घंटे में 24,000 एक लड़की के ऊपर लुटा देते हैं। वह देखती है कि यह काम मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी डांस करना आता है। दोस्तों वो स्टेज के पीछे जाती है और उस लड़की से मिलती है, कहती है कि बहन अगर आप मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, ऐसे ऐसे अपनी परेशानियाँ बताती है। वो तो कहती है कि यह काम इतना आसान नहीं है और इसमें बहुत रोना पड़ता है, गांव समाज में तो ताने मारते हैं, गालियाँ अलग से मिलती हैं और जो पैसे मिलते हैं वो सब मेरे नहीं होते, मुझे यह यहाँ पर खाली केवल कुछ पैसे ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन यह है कि साल के अंदर मैं 1-1.25 लाख रुपये कमा लेती हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वह चलता रहता है। फिर तो उसे वह पूरी अपनी हिस्ट्री बताती है, मेरे परिवार कैसा है, हम लोग खाने का मोहताज हैं। वह कहती है कि ठीक है फिर तुम यह काम कर सकती हो। वह अपने मालिक से बात करा देती है। उसका मालिक जब चांदनी को देखता तो वह खुश हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि इसके चेहरे के अंदर जो मासूमियत है, वह जो उसकी खूबसूरती है, उससे तो मुझे सालों साल काम मिलता रहेगा, उससे तो मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी। तो वह चांदनी से कहता है कि ठीक है तुम अपनी माँ और बहन से मुझे सुबह मिलवा देना। दोस्तों अगले दिन मैं अपनी माँ और अपनी बहन से उसे मिलवाती है। वह कहता है कि देखो 1-1.5 लाख रुपये कमा लेगी, इसमें कोई ज़्यादा बस नहीं, पर डांस करना है और लोग अपने आप पैसे दे देते हैं, इसमें कोई गलत है नहीं, बहुत ही सारी लड़कियाँ इसमें डांस करती हैं जिनके आगे अंदर कला होती है, अपनी कला दिखाती हैं, इसके उनको पैसे मिलते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ना चाहते हुए उसकी माँ के पास कोई चारा नहीं होता, वह कहता है कि ठीक है भाई ले जाना। लेकिन निक जो माँ होती है वह चांदनी को भेज देती है, लेकिन कहती है कि भैया इस जिले में इसको मत नचवाना, आप कहीं और ले जाकर इससे डांस करवा लेना। दोस्तों यहाँ से 350 किलोमीटर की दूरी हरदोई ज़िले में उसी के आसपास उसका प्रोग्राम होने लगता है और देखते देखते सारे तौर तरीके वह सीख जाती है, अपने अच्छे पैसे कमाने लगती है। बहुत सारी परेशानियाँ इस बीच में उसके पीछे खड़ी हो जाती है, लेकिन करे तो क्या करे, पैसे कमाना ही। इधर उसके गाँव में कुछ लोगों को पता चल जाता है क्योंकि उसके कुछ ना कुछ वीडियो क्लिप इधर उधर से वायरल हो जाते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि वह डांस करने गई है, अब ऑर्केस्ट्रा की डांसर है। लेकिन भाई जिसके घर में खाने को कुछ नहीं था उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसका तो एक ही माइंडसेट था कि मैं पैसे कमाऊंगी, अपने परिवार का पेट पालूंगी, अपने बहन की अपने खुद की कमाई से शादी करूंगी, अपने भाई को पढ़ाऊंगी, मेहनत करने लगती है। दोस्तों अपनी मेहनत से कमा कर वह अपनी बड़ी बहन की शादी भी कर देती है दोस्तों, और फिर वह काम पर लग जाती है और दोस्तों उससे लोग प्रोग्राम में बहुत परेशान करने लगते हैं, पककर रोने लगती है। तभी जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक था वह आता है, उसे ज़बरदस्ती स्टेज पर भेजने लगता है। दोस्तों वह चुपके से बाथरूम के बहाने जाती है और 100 नंबर पर फ़ोन कर देती है, इसके बाद स्टेज पर आती है, आ जाती है। दोस्तों एक दुकाने पर डांस करती है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। 15 से 20 मिनट में वहाँ पुलिस आने के बाद वह ऑर्केस्ट्रा को बंद करवा देती है और घर के मालिक को बुलाती है, ऑर्केस्ट्रा के मालिक को बुलाती है, उन लोगों को कड़ी फटकार लगाती है कि जब 2 बजे तक अलाउड है तुम, ये 4 बज गए हैं, 4:30 बज गए हैं, अभी तक प्रोग्राम क्यों कर रहे हो। उसके बाद वो उन लड़कियों से मिलते हैं और चारों लड़कियों से यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार फ़ोन किसने किया था, लेकिन डर के मारे चांदनी यह नहीं बताती कि मैंने फ़ोन किया था। लेकिन
इसी बीच में एक कांस्टेबल जो होता है 4-5 साल से पुलिस लाइन में था, उसका नकर यादव होता है, वह जाता है चांदनी के पास, चांदनी को देखता है और देखते ही रह जाता है। उसके पास जाता है और कहता है कि तुम जरूर तुमने ही फ़ोन किया होगा। वह बोलते हैं कि हाँ होगा, तो वह बोलते हैं कि हाँ मैंने ही फ़ोन किया था, लेकिन आप प्लीज किसी को मत बताना, मुझे बहुत डांट मिलेगी, मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। आप दोस्तों दिनकर साहब जो चांदनी की आंखों में उसकी खूबसूरती, मासूमियत और उसकी लाचारी, उसकी बेबसी के साथ और कुछ नज़र आता है, कहते हैं कि ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम मुझे अपना नंबर दो और मेरा नंबर ले लो, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। तो वह बोलती है ठीक है सर, मुझे तो अक्सर ऐसी परेशानियाँ आती रहती हैं। वो अपना नंबर दे देती है, उसके बाद भीड़ वहाँ से चली जाती है, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम समाप्त हो जाता है, पुलिस अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों अगले दिन जो दिनकर साहब होते हैं चांदनी को फ़ोन करके जानने की कोशिश करते हैं कि असल में क्या हुआ था, कौन हो तुम, कब से काम करती हो और यह काम करके क्यों कर रही हो। दोस्तों चांदनी जो है दिनकर यादव को अपनी पूरी समस्या बताती है कि ऐसे ऐसे मैं हूँ, इसलिए मुझे यह काम करना पड़ रहा है, और दोस्तों 2-4 साल मैं काम करूँगी, उसके बाद मैं काम छोड़ दूँगी। लेकिन उसके बाद दिनकर और चांदनी के बातों का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है, अब 2-4 महीने तक चलता है। अब दोस्तों बात करते करते दिनकर साहब थे जो वो पाते हैं कि चांदनी ना ही सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उतनी ही दिल की सज्जन थी, उतनी ही सीधी, और उसके दिल में उतनी ही इंसानियत है। दोस्तों उस पर वह पिघल जाता है, उससे प्यार का इजहार कर देता है, एक दिन शादी का प्रस्ताव भी रख देता है। चांदनी जब ये बात सुनती है तो वह खुशी से खुशी के मारे रोने लगती है। यह वो उनसे मुलाकात करने के बाद कहती है, 2 दिन बाद दोनों की मुलाकात होगी। चांदनी उससे कहती है कि मेरे 2 भाई बहन हैं, मेरी 2 और बहनें हैं, पहले मैं उनकी शादी करना चाहती हूँ, उसके बाद अपनी शादी के बारे में सोचूंगी। फिर जो दिनकर साहब थे वो कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन नहीं रह सकता, मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकता, भले ही मुझे तुमसे मंदिर में शादी तुम उसे मंदिर में शादी कर लो, उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा, हम और तुम दोनों मिलकर तुम्हारी बहनों की शादी कर देंगे, उसके बाद किसी को पता चलेगा। दोस्तों इस प्रस्ताव को सुनने के बाद चांदनी दिनकर के गले से लिपट जाती है और रोने लगती है, कहती है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, मैंने आप ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद दोनों साथ में रहने लगते हैं। कुछ ही दिन बाद जो दिनकर थे वह उसको लेकर अपने घर चले जाते हैं, अपने माता पिता और अपने परिवार से मिलवाते हैं और पूरा सच सच बात बता देते हैं कि यह बिजनौर जिले की है, ऐसी स्थिति है, यह तो ऐसे ऐसे डांस कर रही थी, तो मैंने जो मैंने इससे शादी कर ली है। दोस्तों बलियन जिला के रहने वाले होते हैं, उसके परिवार वालों ने कहा कि बेटा जो तुमने किया है कुछ तो समझ के ही किया होगा, लेकिन एक से एक बढ़िया रिश्ते तुम्हारे लिए आ रहे थे। तो दिनकर अपने माता पिता से कहता है कि देखो मुझे 4-5 साल हो गए हैं पुलिस की लाइन में, 4-5 साल हो गए हैं पुलिस लाइन में, और मैं वहाँ पर देखता हूँ कि जो शरीफ दिखता है सबसे बड़ा बेईमान होता है। बहुत सारी पत्नियाँ अपने पति का जीना हराम कर रखी हैं, और बहुत सारे पति जो होते हैं अपने पत्नियों का जीना हराम कर देते हैं। दुनिया में बहुत बड़ा झोलझाल चल रहा है, तो इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आई, और यह दिल की बहुत साफ है, अच्छी है, तो आप लोगों के साथ रहेगी तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। दोस्तों 30 नवंबर के दिन जो चांदनी का प्रोग्राम होता है वह उसका आखिरी प्रोग्राम होता है। ये दोनों लोग साथ में रह रहे थे, दोनों परिवार को संभाल रहे थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मतलब मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं था, मुझे ये कहानी अच्छी लगी तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रा भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, नमस्कार।